एक्सेल के दो बहुत ही मजेदार ट्रिक आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद तनवीर में। दोस्तों, जब भी हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आधार कार्ड नंबर एंट्री कर रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि आधार कार्ड नंबर 12 अंकों का होता है। लेकिन जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो 12 के 12 नंबर एक साथ हमको टाइप करते हैं तो दिखता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा चार चार अंक का आधार नंबर तीन भागों में बट जाए और जब भी हम टाइप करें तो चार चार नंबर का ये अंक जो है तीन भागों में बटा हुआ दिखे, या हम जब भी लिखें ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट तीन भागों में बट जाए, सेटअप हो जाए। मैं इससे पहले एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है और हम यहाँ पे टाइप करते हैं आधार कार्ड नंबर। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आधार कार्ड का नंबर जो है कुछ इस प्रकार है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो सभी की सभी संख्याएं एक साथ दिख रही हैं। इसके लिए चलिए हम इस सेल पे भी क्लिक कर लेते हैं और पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं जितने के अंदर हम एंट्री चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इस नंबर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मिलेगा और फिर जनरल का। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हैज चार बार, फिर स्पेस, फिर 1 2 3 4 बार, फिर स्पेस 1 2 3 4 और ओके कर दें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार चार अंक का कैटेगराइज हो गया, हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ संख्या कम लिखी थी इसलिए यहाँ पे तीन ही। अब देखिए, फिर से मैं टाइप करता हूँ, देखिए चार चार अंक के ये चार चार अंकों में ये बांट दे रहा है। फिर से मैं कोई अंक डालने का प्रयास करता हूँ, 2 अंक अभी कम है, 2 अंक में वो टाइप कर देता हूँ। इस प्रकार से देखिए चार चार अंकों में ये बांट दे रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रिक यह है कि जब भी हम लोग एक्सेल के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी हम सेल में एंट्री किए हुए हैं और हमारा कुछ सेल जो है ब्लैंक है, लेकिन हम चाहते हैं उस ब्लैंक वाले सेल की जगह डैश फिल करना या माइनस फिल करना। तो दोस्तों, कैसे हम एक साथ में एक ही बार में सारे फार्मूले को करते हैं ट्रिक की तरफ, हमारा दूसरी ट्रिक का यह मतलब है कि आप देख रहे हैं आप एंट्री की हुई है लेकिन कुछ सेल हमारे जो है ब्लैंक है, लेकिन हम चाहते हैं जो ब्लैंक है उसके अंदर कुछ ऐसे डॉटेड आ जाए ऐसे। लेकिन अब ऐसे हमको करने में बहुत टाइम लगेगा और हम लोग फाइंड भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और ब्लैंक सेल को ऐसे ही छोड़ देंगे, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद में वही डैश वाला क्लिक कर देंगे और उसको यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर लेकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 16 सेल जो है हमारे क्लिक हो गए हैं और क्लोज कर देंगे। अब आप एक बार यहाँ चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको सबको सेंटर में कर देता हूँ। देखिए, जितने भी ब्लैंक सेल थे उन सब के अंदर से डॉट फिल हो चुका है। दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर।